तो गेम में खेलते भी रहते और बातें भी हो जाती हैं फिर। अच्छा, इनवाइट किया था क्या? उन्होंने मुझे किया ओके अभी ऑनलाइन। ओके ये तो सुनो, एक के 20 हुए थे, वो कह रहे शेर ये भेज दे, कॉइन बता रहा मम्मो को लड़का, हजारों के करोड़ हो गए, ये हो गए। वो 8 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के आसपास रह गए उनके। फ्रेंड्स, मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मुझे ऐसी पका पका के बोल कर देंगे, शेयर की न्यूज़ या फिर कॉइन वगैरह की, सिक्कों की न्यूज़, मीम कॉइन, जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं अपना नाइट स्किन केयर मतलब वही है, मैं खुद करने जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और पता है कमेंट आया था कि मैं आपसे ज़्यादा यंग लग रही हूँ, कौन है वो? ये रियलिटी है। और कमेंट भी आया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं आपके लिए था। हाँ आप हो जाओगे खुश। डिटेल में बताओ। हाँ मतलब यही था कि हाँ आप यंग लगते हो। वो तो हमें पता है, इतने साल की मेहनत खराब थोड़ी चली जाएगी। अब मुझे पतला होने नहीं देना। मोमोज। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करेंगे आपके साथ शेयर। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी है। हाँ ऐसे फ्लाइंग मिस कर बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ ये मतलब ऑफ कैमरा ज्यादा अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, लेकिन कैमरा ऑन होते ही ना ये थोड़ा सा मतलब इनको लगता है कि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो चीज़ नहीं आ पाती जो ये एक्चुअल में मतलब जितना अच्छा फन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले फेस क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैं फेस वॉश से फेस क्लीन करूँगी, आप क्लींजिंग मिल्क से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी विटामिन सी का फेस वॉश। ये फेस वॉश मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं डिटेल में आपको इतना नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हमारा फेस वॉश हो चुका है। ये क्या है, फेस क्या ऑन कर दिया आपने? फेस क्लीन हो चुका है अभी हमारा। अब हम लगाएंगे टोनर, जैसे अगर रोज वाटर है तो आप वो भी लगा सकते हो। रोज वाटर बिल्कुल मतलब अच्छे टोनर का ही काम करता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो अभी टोनर के बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर सीरम। ये भी विटामिन सी का है और 20% विटामिन सी का सफिशियंट हो जाता है। इससे ऊपर का अगर आप परसेंटेज लेते हो ना तो मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आप थोड़े अच्छी स्किन थोड़ी और अच्छी स्किन चाहते हो और आप सोचे 20% से ज़्यादा 30% का लें, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 20% का भी अच्छा वर्क करता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग सीरम, और सीरम के बाद हम लगाएंगे अपनी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम अगेन अपनी पसंद से कोई भी, तो मतलब ना ये सीक्वेंस आप रखो। आपको पफिनेस की प्रॉब्लम रहती है कि आपको लगता है सुबह उठ के आपके आईज पफिनेस ज़्यादा दिखता है, तो आप अंडर आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर आई जेल या अंडर आई क्रीम। ओ माई गॉड, नेल पेंट कैसा लग रहा है ना ये। इसमें इतना इसमें कम मतलब नेल पेंट मेरे को खुद भी होता है, या तो पूरा साफ होना चाहिए, अच्छे से लगा होना चाहिए, बट वही है ना थोड़ा निकालने का आलस कर रही हूँ अभी। कल मत जाना चाहता है। क्या पति को पीटने भारतीय पत्नियां तीसरे स्थान पर, थोड़ी सी मेहनत और कर ले तो नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ की, नई दिल्ली आप की। ज्यादा ध्यान मत दो इस पे, सीधा सीधा कर दूंगा। और बड़ी खुशी हो रही थी वो न्यूज़पेपर की पढ़ के। हैं मतलब कुछ गलत कर रहा होगा जब भी उसने पीटा होगा, वैसे थोड़ी ना भारतीय पीटेगी। महिला है। हाँ तो आदमी ठीक नहीं होंगे, शराब और आप पी के मार पिटाई करते होंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं ना, तभी इतना होता है कि औरत मारने पे उतर आती है, वरना औरत ऐसी होती थोड़ी है, अपने आदमी को क्यों पीटेगी। तीसरे आदमी स्थान पे है। आदमी इतना परेशान कर देता है कि फिर उसको हथियार उठाने पड़ते हैं। ना अब तो बहुत सही बच्चे तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन की क्वालिटी ठीक है, मतलब इनके कंपैरेटिवली क्या अच्छा जी। है। ओहो अभी मैं नहीं लीन नहीं कर रहा देखो हूँ, नहीं, अच्छा चलिए हम देखते हैं अपनी स्किन कंपेयर करते हैं थोड़ा। मेहनत मैं तो बाहर से आया हूँ मेहनत करके, करके वर्कआउट किया था अभी। मतलब मेरा मेरा फेस देख रहे हो येलोइश कलर का लग रहा है आपका, थोड़ा सा आपके चेहरे पे लालिमा आई हुई है। बैल बज रहे भैया जी आए होंगे आई थिंक।
नहीं, आपके अंदर खून देखो कितना भरा पड़ा है, लालिमा आ रही है चेहरे पे, और मेरे पे देखो पीली माँ, मेरे अंदर खून की कमी, मेरा सारा खून चूस रखा है इन्होंने। हाँ ये बाहर का खिला लो पासपोर्ट। आज भी मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था, मैंने नहीं बोला, बस मैं इनको ना ये बोल रही थी, वो जो छोटी छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आने लगी आजकल, वो मतलब कितनी अच्छी है ना, एक इंसान के लिए बहुत है, पर मैंने ये नहीं कहा था मेरे लिए लाओ, अपनी जबान पे कंट्रोल कर लिया था मैंने। ये अब लास्ट देख लो फिर आ जाना, ठीक है? लास्ट वीडियो, हाँ लास्ट वीडियो। कितने देर की बची है? 2 मिनट की। ठीक है ठीक है, आ जाओ फिर, ठीक है? फ्रेंड्स हम फाइनल राउंड लगा लेते हैं किचन, तो कल सोच रहे हैं कढ़ी बना लेंगे। एक्चुअली क्या है, ये जो पैकेट्स है ना, ये पुराना पैकेट है छाई के, काफ़ी पैकेट इकट्ठे हो गए हैं, तो एक पैकेट, मेंबर्स भी इतने नहीं है, एक पैकेट काफ़ी रहेगा, इसकी बनाएंगे कढ़ी। क्या है, मैं दो जगह और यहाँ दो जगह भिगो देती हूँ थोड़े थोड़े से, तो दो जगह चने भिगो दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग? आ गई, हो गया काम आपका नीचे का? अच्छा, सभी क्या है, मैं जस्ट हॉस्पिटल से आई हूँ एंड मुझे ना एक बात शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा फिर कभी मेरे दिमाग से निकल जाए तो पहले वही कर लेते हैं, फिर हम लंच करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कढ़ी बनेगी, तो आज सुबह कढ़ी बनी है। तो क्या है, हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ है, मेरी एक फ्रेंड है, तो उनका क्या है, वो प्रेग्नेंट है और वो उनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, अभी भी वो अंदर से बहुत डरी हुई है, क्योंकि जिसका एक बार मिसकैरेज हो जाता है ना, तो उसको फिर बार बार यही लगता है। तो पता है क्या, उन्होंने एक मिस्टेक की थी, वो उनको ये था, उन्हें लगता था कि प्रेगनेंसी बहुत इजीली हो जाती है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था। अब उन्हें ये दिक्कत है, अब ट्राई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एज 30 की तरफ जा रही है, तो और डर लगने लगा है उन्हें, लगता है कि अभी कंसीव हुआ तो हुआ, वरना तो फिर क्या होगा, मतलब स्ट्रेस में रहती हैं। तो मैं बस इतना आपको करूँगी एडवाइस कि हर चीज़ ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, लेकिन येस, आप अपनी इस प्रेगनेंसी को इतने हल्के में ना लें, मतलब एक टाइम पीरियड अच्छा होता है तो उसी में आप कंसीव करें तो और अच्छा हो जाता है ना। वैसे तो देखिए मिरेकल्स होते रहते हैं, एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं, 30 के ऊपर भी काफ़ी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन हाँ जो राइट एज है, जो सही टाइम है, उसमें आप कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी कंडीशन देख के ना, अभी मिसकैरेज उनका पहले हो चुका है, दोबारा कंसीव करेंगे तो मतलब उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, और यही लगता है कि क्या है कि पेट में थोड़ी सी भी हलचल लगती है ना, तो ऐसे लगता है कि क्रैम्प्स ना बन जाए, ये कहीं मुझे फिर से मिसकैरेज ना है, तो उनकी कंडीशन देख के बड़ा ऐसे लगता है कि वाकई में जो फीमेल्स इस दौर से गुजरती हैं, तो उनको तो मतलब कैसे लगता है, एक एक दिन उनको मतलब ये था कि बस मेरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएं, जैसे बोलते हैं 3 महीने ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो अभी उनको उन 3 महीनों के पूरा होने का इंतज़ार है। तो बस यही है, हर चीज़ समय से प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर है, एंड यस, अगर आप कंसीव कर लेते हैं ना, तो आप उसको अबॉर्ट ना करें। बहुत सी फीमेल्स होती हैं कि सोचती हैं अभी नहीं करेंगे, कंसीव कर हुए हुआ है बेबी को आप अबॉर्ट कर देते, तो वो ऑप्शन भी गलत है, कंसीव हो गया है तो उस प्रेगनेंसी को कैरी करें, अगर आपको कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो, ठीक है। एंड अभी चलते हैं, लंच करेंगे, कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं, लंच करते हैं, ठीक है। मतलब मैं अपना अपना मैं लंच सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी मतलब मुझे भूख ज़्यादा लगती है, तो मुझे ये नहीं होता कि आके मैं पहले बनाऊँगी फिर खाऊँगी, तो सुबह का मैं मतलब खा लेती हूँ, फिर खाने के बाद फिर सबका प्रिपेयर करूँगी मैं लंच, तो मुझे बस कपड़े चेंज करके लंच ही लगाना है फिर बने। फ्रेंड्स अभी है इवनिंग का टाइम, जैसे आपको पता ही इवनिंग में मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, सो बिल्कुल अकेली ही हूँ। ये देखिए पूरा घर ऐसा होता है, सुनसान पड़ा होता है। मुझे सजेस्ट किया गया था कि लाइव आ सकते हैं, तो यस गुड आइडिया है, लाइव आ सकती हूँ, इस टाइम पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए किसी दिन नेटवर्क इश्यूज नहीं होते हैं तो डेफिनेटली लाइव देखते हैं। एंड यस, मेरी जेठानी कहाँ गई है उनके बारे में आपको जानना था, तो जो मेरी जेठानी है वो अपने मायके गए हुए हैं, उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब रह रही है, तो फिर इसलिए वो थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, तो इस वजह से उनको मतलब उनसे मिलने गई हुई हैं वो। एंड यस, मुंबई का जो प्लान था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो प्लान्स बन रहे थे बट फिर प्लान कैंसिल हो गए। एक्चुअली क्या, जब मैं अपने मायके से आई थी तो फिर मुझे पता चला प्लान कैंसिल है, तो फिर उसके बाद कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं है उस बारे में, ठीक है। तो यही है अभी तो अपडेट, ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, एंड यस, अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियोस
देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।